आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बढ़िया। आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर ये है, महाराष्ट्र के घुड़सवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जिन लोगों को घोड़ों का शौक है, जिन्हें हॉर्स राइडिंग का शौक है, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 20 नवम्बर 2022 को दोपहर में 12 बजे परभणी के लक्ष्मी नगरी डेंटल कॉलेज के करीब ही यहाँ पर AR स्टोर फार्म की जानिब से जिस तरह से रेवाल चाल स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला प्राइज 51,000 रुपये, दूसरा प्राइज 31,000 रुपये और तीसरा प्राइज 21,000 रुपये रखा गया है। 1 किलो चांदी के बख्शीश भी इसमें रखे गए हैं। इस स्पर्धा के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अब्दुल रज़ाक 7057818999, उसी के साथ सैयद अबू हसन 9860152614। परभणी शहर के न्यायालय परिसर में जिस तरह से आज 7 नवंबर 2022 को 4:30 बजे दोपहर के 4:30 बजे के टाइम पर घट स्फोट के लिए सुनावने के लिए आई हिम न्यायालय में महिला इसके पति ने ही इसके गले पर वार करके इसे जख्मी कर दिया है। और यह घटना उस वक्त हुई जब ये महिला शौचालय के लिए जा रही थी, ऐसी सूरत में ही पति ने आकर इसके गले पर वार कर दिया, कट्टर से वार कर दिया और इसे जख्मी कर दिया। वक्त रहते मोंडा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने इसे हिरासत में ले लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी इस प्रकार है कि जिंतूर के दाम्पत्य परभणी यहाँ के JMFC न्यायालय में यहाँ पर जिस तरह से 7 नवंबर 2022 को पति ज्ञानेश्वर खनपटे और उसकी पत्नी वैष्णवी ये सुनावनी के लिए आए थे, घटस्फोट की सुनावनी के लिए आए थे और इनका तड़जोड़ न होने की वजह से इनका तड़जोड़ नहीं हुआ, इसी को लेकर पति गुस्साया गया और गुस्साने के बाद में यहाँ पर स्वच्छता गृह के पास ही अपने पत्नी पर इसने हमला कर दिया और कटर से ही इसके गले पर वार कर दिया। वक्त रहते पति ज्ञानेश्वर खनपटे इसको पुलिस ने हिरासत में लिए और हिरासत में लेने के बाद में आगे की कार्रवाई नया मुंडा पुलिस स्टेशन में की जा रही है। डिसेंट अप्रेस धमाका ऑफर, फ्लैट 50% डिस्काउंट। आमचा पत्ता डिसेंट अप्रेस स्टेशन रोड परभणी, एकदा अवश्य भेट द्या। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार इसे राष्ट्रवादी कांग्रेस की खासदार सुप्रियाताई सुड़े इनके बारे अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया, उसी के चलते आज 7 नवंबर 2022 को परभणी शहर के महात्मा फुले इनके पुतले के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष प्रताप देशमुख इनकी जानिब से इनके नेतृत्व में कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार इनके विरोध में घोषणाबाजी की गई और घोषणाबाजी करने के बाद में अब्दुल सत्तार इन्होंने जिस तरह से सुप्रियाताई सुड़े इनके बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया है, उसी के चलते राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से अब्दुल सत्तार इनके तस्वीर को जोड़ो मारो आंदोलन किया गया है और जिस तरह से पुतले को इनका पुतला भी दहन किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के किस तरह से यहाँ पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद थे और यही नहीं, इनके अलावा महिलाओं ने भी जिस तरह से खासदार फौजिया तहसीन खान और उसी के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला पदाधिकारी इन्होंने भी जिस तरह से इनके आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद खासदार फौजिया तहसीन खान उसी के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस की पदाधिकारी नंदाताई राठौड़ इन्होंने दी है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अरे सुप्रिया ताई आप आगे बढ़ो, हमारे साथ सुप्रिया ताई तुम संघर्ष करो, हमारे साथ अरे गद्दार कराय चाहिए गद्दार कराय चाहिए। महाराष्ट्रातील 6 कोटी महिलांचा अपमान जर करायचं नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी अब्दुल सत्तार यांचा राजीनामा घ्या, नाही घेतला तर आम्ही जाहीर त्यांचा निषेध करून तीव्र आंदोलन करू। एका कॅबिनेट मंत्र्यांना लाज वाटली पाहिजे, कसं काय त्यांची हिंमत झाली एका महिलेचा असं या पद्धतीने अपमान करण्याचा। सुप्रियाताई सुळे ही काय सामान्य महिला नाही आहे, 8 वेळी संसद रत्न पुरस्कार मिळालेली महिला आहे, पुरुषांच्या कितीतरी पुढे गेलेली महिला। जर यांचा अपमान करण्याची हिंमत होत असेल तर सामान्य महिलाचं काय किती पातळी घसरणार। मला असं वाटतं की या मंत्र्यांची त्या
राजीनामा भेटला पाहिजे, कारण अशा पद्धतीचे माणसं जर कॅबिनेटमध्ये राहणार, सरकारमध्ये राहणार, तर महिलांचं काय, 50% आमची लोकसंख्या आहे आणि त्या लोकसंख्येला जरासा पण सन्मान नाही आहे या लोकांना. काय भाषा, काय पातळी, खूप लाजीरवाणी गोष्ट आहे. त्याच्या मी निषेध करते आणि राज्यपालांनी दखल घेतली पाहिजे याची. राज्यपालांनी राजीनामा घेतला पाहिजे या मुख्यमंत्र्यांचा. हे संपूर्ण महिला वर्गामध्ये संताप आहे आज या गोष्टीचा. डिसेंट अप्रेस धमाका ऑफर, खरेदी करा फक्त 9999 रुपयाची आणि मिळवा ॅरिस्टोक्रॉट ट्रॉली MRP 6600 फक्त 799 रुपयांमध्ये. आमचा पत्ता डिसेंट अप्रेस, स्टेशन रोड, परभणी. 7 नवंबर 2022 को परभणी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया जनशक्ति संगठन की जानिब से. विनेता तरफ है, इन्होंने जिस तरह से ये मुंबई से आई है और मुंबई से आने के बाद में इन्होंने जिला शल्य चिकित्सक पर सिविल हॉस्पिटल यहाँ पर डॉक्टर खासगी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इन्हें बंद किया जाए. और बंद करने के बाद में इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर महिला जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती है, ये प्रेग्नेंट महिलाओं की जिस तरह से यहाँ पर परेशानी इन्हें हो रही है और प्रेग्नेंट महिलाओं के मृत्यु का प्रमाण भी बढ़ रहा है. और यही नहीं, इनके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं के बालक नवजात शिशु का भी डेथ का प्रमाण बढ़ता जा रहा है. उसी के चलते विनीता टर्फ है, इनकी जानिब से निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है. प्रेग्नेंट महिलाओं का प्रमाण का मृत्यु का प्रमाण बढ़ता ही जा रहा है. उसी के चलते आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया विनीता टर्फ है इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है, खुद इन्हीं की जबानी. जनशक्ति शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष विनीता टर्फे मुंबईहून आलेली आहे. काल हो किती माझी सभा झाली तेव्हा काही स्थानिक ग्रामस्थांकडून माझ्याकडे लेखी स्वरूपात एक तक्रारी आली होती इथल्या सामान्य रुग्णालयाविषयी. अतिशय संवेदनशील विषय आहे आणि अतिशय खेदाचा विषय आहे की जिथे रुग्णांचा जीवाची सेव केला जातो तिथे हे लोक त्या जीवाशी खेळले जातात. थोडक्यात सांगायचं की मी जिल्हा अधिकारी या ऑफिसमध्ये आले असताना माननीय मॅडमनी सांगितलं, गोयल मॅडमनी सांगितलं की हे जे तो दोन विषय मी त्यांच्यापुढे प्रेझेंट केलेले आहे की सामान्य रुग्णालयामध्ये परभणी येथील जे काही गरोदर माता आणि बालकांचा मृत्यूदर दर हप्त्याला वाढत आहे त्याचं कारण काय, आणि दुसरं कारण असं होतं की जे सामान्य रुग्णालयामध्ये जे डॉक्टर कार्यरत आहे त्याचे खाजगी हॉस्पिटल कशासाठी, की कायद्याने परमिशन दिलेली आहे का, आहे का. मग काय जेव्हा खाजगी हॉस्पिटल त्यांचं चालू असताना त्यांचं लक्ष कमी असतं सरकारी हॉस्पिटलमध्ये आणि जास्त लक्ष त्याच्या खाजगी हॉस्पिटलमध्ये असतं, की कारण की तिथे अर्निंग सोर्स त्यांचा जास्तीत जास्त कशा पद्धतीने होईल याचा त्यांचा कल असतो, त्याच्यामुळे ते रुग्णाला खाजगी हॉस्पिटल रेफर करतात. तो सामान्य जनता ही गरीब जनता आहे आणि परभणीसारखा हा दुष्काळग्रस्त भाग आहे. मग सामान्य जनतानी सरकारी रुग्णालय सोडून जर खाजगी हॉस्पिटलमध्ये गेलं तर तिथे भरमसाठ पैशाची मागणी केली जाते आणि पैसा कुठून आणणार आहे हो. सामान्य जनता एकतर दुष्काळाने आणि एकतर बेरोजगारीने भरडलेली आहे आणि मग सामान्य जनता काय करते, स्वतःच्या उपचारासाठी कुठेतरी कर्ज काढते आणि ती कर्ज वेळेत न फेडल्यामुळे पुन्हा आत्महत्येची वेळ येते. मग हे जे चक्र चालू आहे, जीवनाचं जे चक्र चालू आहे, हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. याला सर्वस्वी मला तरी वाटतं डॉक्टर जबाबदार आहेत, किंवा कुठेतरी खाजगी हॉस्पिटल बंद करण्यात यावे आणि गरोदर माता आणि बालकाचा मृत्यूदर जर कमी नाही झाला तर जनशक्ती शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून सरकारी हॉस्पिटलवर महिलांच्या माध्यमातून बांगडे भरो आंदोलन आणि CM पुतळा दहन करण्यात येईल. आराम शॉप एअरपोर्ट्स 3999 रुपयाचा फक्त 99 रुपयांमध्ये. ऑन शॉपिंग ऑफ 4999 रुपये. शूटिंग शर्टिंग रेडीमेड शियाराम जे हॅम्स्टेड एक्झेम्बर्ग केडिनी. आमचा पत्ता डिसेंट अप्रेल, स्टेशन रोड, परभणी. पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी RPI शाखा परभणी की जानिब से आज परभणी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय की जानिब से जिस तरह से मध्याह्न भोजन उन लोगों को दिया जाता है जो मजदूर पेशा लोग हैं, इन लोगों को बहुत ही जिम्मेदारी से ये खाना दिया जाता है, लेकिन ये खाना इतना ख़राब है कि इस खाने को खाना भी दुश्वार हो गया है, ऐसा ही इस निवेदन में कहा गया है. और ये खाना पूरी तरह से चेक किया जाए, ऐसा भी मांग इस वक्त की गई है. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हसनापूर तर्फे पेड़गाव पाथरी रोड तालुका जिला परभणी, इन्होंने कंपनी की जानिब से जिस तरह से निकृष्ट दर्जे का बोगस खाना मिल रहा है और बोगस कामगारों को भोजन दिया जा रहा है, ये पूरी तरह से बंद किया जाए, ऐसी मांग पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी RPI शाखा परभणी की जानिब से किया गया है. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त निवेदनकर्ताओं ने दी है.
जे मध्यान्हाचं जे भोजन आहे ते शासनाच्या मेनूप्रमाणे त्या ठिकाणी घेतलं आहे, तर निकृष्ट दर्जाचे त्या ठिकाणी अन्न या ठिकाणी आम्हाला परभणी जिल्हावासियांना देत आहे। म्हणून त्या अनुषंगाने मी त्या कंपनीमध्ये गेलो, संबंधित मॅनेजरशी चर्चा केली आणि ते या ठिकाणी म्हणत आहे की बाबा तुमच्या पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं तर करा। म्हणून आम्ही जिल्हाधिकारी मॅडमांना आज दिनांक 7/11/2022 निवेदन दिले आणि त्यांच्यावर ज्या कंपनीवर चालक मालक यांच्यावर कारवाई करावी अशी आम्ही मागणी केली। जर कारवाई नाही जर झाली तर आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमर उपोषणलाही बसणार आहे। हे न्यूज कव्हर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चॅनल के कार्यकारी संपादक परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबीन इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। हमारे न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। महाराष्ट्र के घुड़सवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जिन लोगों को घोड़ों का शौक़ है, जिन्हें हॉर्स राइडिंग का शौक़ है, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 20 नवंबर 2022 को दोपहर में 12 बजे परभणी के लक्ष्मी नगरी डेंटल कॉलेज के करीब ही यहाँ पर AR स्टोर फार्म की जानिब से जिस तरह से रेवाल चाल स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला प्राइज 51,000 रुपये, दूसरा प्राइज 31,000 रुपये और तीसरा प्राइज 21,000 रुपये रखा गया है। 1 किलो चांदी के बख्शिश भी इसमें रखे गए हैं। इस स्पर्धा के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अब्दुल रज़ाक 7057818999, उसी के साथ सैयद अबू हसन 9860152614। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में। ग्राहक की खुशी यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881290190। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS English Speaking Classes, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कॉन्टैक्ट करें SBS English Speaking Classes। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी।